अभी हम लोग जा रहे हैं अपने काका के कपड़े लेने। थैंक यू। मेरी अम्मा लेट कर रही है आज। हाँ वो इकरा खड़ी है, वो अरीब खड़ा है। ओ लॉक कर दिया था काके? नहीं नहीं वो कह रहा नो। सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। अरीब इसको खोल दो ना आगे से, ये वाला ट्राई कर लो अरीब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप भी अस्सलाम वालेकुम करो, थैंक यू करके दिखाओ। थैंक यू, तो आपने थैंक यू सुन लिया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो ये लो। गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने काका के कपड़े लेने, ठीक है। इकरा मेरा वेट करिए, इकरा मैं मेरी भाभी जा रहे हैं, ठीक है। उनको पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे डिजाइनर के पास अपने कपड़े देखने। आज अपने कपड़े सिलेक्ट करने हैं, पिछले दिन कुछ भी नहीं रह गए और हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। इकरा ने अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो बस अभी निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। लेट्स गो। आपने भी कपड़े लेने हैं? मैंने बाल तो सेट करें। ये हमारा सरबाला होगा, आने वाले वक्त में ये हमारा सरबाला बनेगा। देखिए जरा, ईशरबाला ईशरवाले को थैंक यू। थैंक यू कह रहा, ठीक है, ये कह रहा थैंक यू सरबाला बनाने के लिए। थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलो आ जाओ, थैंक यू। चले ये देखें जरा, ये जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो ना ये ऐसे मेरे पास आ जाता है, कहता मुझे साथ लेके जाओ। चले आ जाओ, चलो आ जाओ। तो इसके कपड़े चेंज होने लगे, मामा कह रही कपड़े चेंज करने। चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आप निकले। चाची इंतजार करी, चाची। तो गाइस हमारा शो स्टॉपर तैयार हो गया, आ गया है। वाह भाई वाह, और ये भाग गया। चलो मामा चले, बहुत लेट हो गया है। सो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और अब जाते हैं इकरा की तरफ, इकरा को पिक करते हैं। और यहाँ पे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बस पहुँच के पाता फिर हम गए हैं, पहुँच इकरा की तरफ। बस इकरा आती है तो फिर हम निकलते हैं। इकरा मैडम कह रही थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाए क्योंकि बस वो तैयार हो रही है। बस चलते हैं अंदर, जल्दी से उसको लेके आते हैं। अंदर जाने लगा, ये मिलने आई है मुझे। इन्होंने इतनी जोर की आवाज़ मारी है। अरे भाई किसने मारी थी आवाज़? आपने मारी थी? पिक्चर लेनी है आपने? चलाओ जल्दी से पिक्चर ले ले, आ जाओ। इतनी उम्र में ना मुझे फोन पकड़ना भी नहीं आता था। इसको प्रॉपर फोन पकड़ के खड़ी हुई है पिक्चर लेने के लिए। देखिए जी हम अंदर आ गए हैं। टाइम से कभी तैयार नहीं होना, कभी टाइम से तैयार नहीं होना। चलो जल्दी करो, जाना नहीं है। मैं टाइम से तैयार हूँ, बिल्कुल फिट तैयार होगी। मेरी अम्मा लेट कर रही है। अम्मा लेट कर रही है आज? अम्मा जी क्यों लेट कर रही हैं आप? हैं अम्मा, देखिए तो सही मलाई। अम्मा ने सारे काम करने होते हैं। अम्मा फुल मलाइयाँ निकाल रही हैं। को मोटा कर रही है, दिमाग थोड़ा मोटा है, पेट पतली है। मुझे इनडायरेक्टली मोटा कह रही हैं। कॉफी नहीं पिलाई इसको आज? कॉफी नहीं पीनी, बिल्ली कॉफी पीनी है। वो आज तो अरीब का जोड़ा आना है, दूल्हे राजा का जोड़ा। आज तो सुबह से मैं क्या गाना गा रही थी, साजन साजन तेरी दुल्हन टैन टैन टैन। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। खैर है ज़ैनब के कपड़े चोरी किए हैं, दे नहीं रही थी, इतना लड़ी है पैंट्स पे मेरे से। ये क्या कर रहा है? नशे आलू खा रही। चलो खाओ, स्पून से खाओ। सारे फल इसने आप भी खाने आज है। ये क्या आलू भी खाता है ऐसे। बस पेट फुल हो गया। सो गाइस अब हम लोग निकलने लगे हैं और सब आ गए हैं। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मी रहेगी, मम्मी भी आ रही है। बस फिर निकलते हैं। मम्मी ने कोई बात, मेरी कसर पूरी पहले तुम करवाती हो, आज मम्मी ने करवा ली। कुछ नहीं हो सकता, इंतजार अरीब की किस्मत में। सो गाइस हम गए हैं पहुंच अब डिजाइनर के पास। डोल ब्लॉगरों के दरमियान जाके अब देखते हैं अपने कपड़े। इसने मेरे कपड़े सिलेक्ट करवाने के लिए लाई है। ये देंगे, बस आपने बताना अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मैंने पूरे पूरे नहीं पहने। मम्मा इसको ना एक ऊपर शेरवानी रख देते, नीचे 4-5 पजामे चेंज पहनने का प्यारा। हाँ वो इकरा खड़ी है, वो अरीब खड़ा पहले। अरीब आपको क्या लगता है, आप साइज में एक्स्ट्रा लार्ज है? अच्छा ये हॉट पिंक नहीं है, ये वो है बेबी मार्ट। बाकी अरीब वहाँ पे होंगी। हाँ अरीब दिस वन इज सो नाइस, दिस वाइट वन। यस ये बहुत प्यारा है, एथनिक है प्रॉपर। मम्मा अगर आपको भी कुछ ट्राई करना है तो आप भी कर सकती हैं। ये छोटू को भी, छोटू जो फीडो कर रहा है ना। छोटू यू वांट टू ट्राई समथिंग? नो चलो दूध पियो। तो गाइस ये सूट पसंद आया, अभी इसको पहन के ट्राई करके देखते हैं पसंद अच्छा लगता है नहीं लगता। इकरा ने कहा कि मेरा सूट का कलर ये है तो आपने ये पहनना है। अभी तो ये बहुत चुभर है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नीचे वो नहीं है, बस नहीं है। सो गाइस ये लुक है, ये फुल दिखाता हूँ आपको। गाइस लाइट चली गई थी, अरीब साहब अंदर गए हैं, वापस ही नहीं निकले। अरीब साहब दूल्हा बन के वहीं तो नहीं नकाब पड़ने लग गए? कपड़ों में फंस गया है, फंस गए। डू यू नीड एनी हेल्प? तो हम नहीं मदद करेंगे, आप अपनी मदद आप करें। ओह नाइस। जुहान बेबी अपना साइज लेने जा रहा है। अरे ये अच्छा लग रहा है वैसे, इट्स क्वाइट सिमिलर विद योर एंगेजमेंट ड्रेस। डोंट यू थिंक? नहीं, वो तो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत प्लेन था। वो बहुत प्लेन था, ये थोड़ा गाइस कैसा लग रहा है? कैसा लगी चाचू? ओए 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 बताओ। अच्छा लग रहा है। अरीब एक दो और ट्राई कर ले, आई थिंक सो फिर हमारे लिए अच्छा है। कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, पता है अगर इसके साथ वो होता ना दुपट्टा होता, प्लेन ट्राउजर होगा और साथ में जो दुपट्टा होगा वो ऐसा नहीं होगा गाइस, ऐसा होगा। हाँ एक दो और ट्राई करो फिर देखते हैं कि कौन सा फाइनल। मुझे तो वैसे ये पर्सनली अच्छा लगा है यार। यहाँ पे हैं, इनमें से हम सेलेक्ट कराते हैं। ये भी प्यारा। अरीब इसमें कलर्स ऐड हैं। यू आर कंसीडरिंग दिस वन? मैंने ये ट्राई किया था, ये तब भी नहीं। अरीब साहब की चॉइसेस जरा थोड़ी चेंज हो गई हैं। अरीब एक बार ये वाला कर ले। ये तो प्रॉपर शेरवानी है, शेरवानी कर लेना एक बार। ये भी अच्छा है, ये वाला करें जरा, आइस ब्लू टाइप एक दफा कर। इसके काम चेक करो। हैं चाचू अंदर कपड़े चेंज कर रहा है, ये बाहर सीढ़ियां चढ़ना सीख रहा है। बाकी गुड डे, शुगर केन है। गुड डे। ट्राई करने लगे, अब ये वाला ट्राई करते हैं। आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा दोनों में से कौन सा अच्छा है, वो हम चूज कर लेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस ये है दूसरी ऑप्शन। ये ऐसी लग रही है लेकिन मुझे टाइट है, ये अच्छी खासी टाइट है, उसमें अजीब भी लग रहा हूँ, बोला था वो ये नहीं अच्छा लगा। जाते हैं इकरा को दिखाते हैं कैसा लगता है उसको। अरीब साहब ने ये अगला ड्रेस ट्राई किया, ये क्या है? बहुत टाइट है, ये नहीं सही लगा। मान गए मोटे हो गए। हाँ है मॉडल साइज से मोटे, लेकिन अरीब वैसे ये लग रहा है धुल्ले का लेकिन ये जेनरल बहुत टाइट है और ये बहुत मेरे टाइप का नहीं है। आपके टाइप का नहीं है? हाँ सिंपल था ये, बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह। लॉक कर दिया ना काके? नहीं नहीं वो कह रहा नो। ओके नो, चेंज कर ले, एक और कोई और ट्राई कर लो उसके बाद। ठीक है, मेरे ख्याल से वो ठीक है। कि और कौन सी ऑप्शन है मुझे बता दो। इतना है तेरे नखरे, सांस नहीं आ रहा बिल्कुल, सांस नहीं आ रहा। अरीब इसको खोल दो ना आगे से। चलो जल्दी तो ये वाला ट्राई कर लो। अरीब ये शेरवानी टाइप है। हाँ ये भी अच्छा है, ये कर लेते हैं फिर। ये कर ले। हाँ ये भी गोल्डिश में है, वाइट है ना, ये वाइट फील आएगा। ये है तीसरी ऑप्शन, ये भी अच्छी है लेकिन ये भी टाइट है। ये देखें, जाके दिखाते हैं। अरीब ये अच्छा लग रहा है, एक मिनट जरा दूर जाइएगा। आई जस्ट वांट टू सी। ये देखिए दूल्हा वाला है, ये निकाह वाला नहीं है। ये निकाह तो वो दूल्हा ही है, निकाह वाला तो नहीं है। पहले चाचोली ठीक है, छुट्टी दे दे, अब छुट्टी दे दूं। पहला वाला ठीक है, ये नहीं मुझे सही लगा। गाइस ये देखें, सालियां साथ नहीं आई लेकिन पीछे डम्मियों की सूरत में मौजूद हैं। ये ज़ैनब है, ये हीरा है, ये हीरा टाइप लग रही है, यानी कि थोड़ी सी फातिमा होगी और ये राबिया होगी। राबिया टाइप ऐसे एक्शन करती है ना सारी। हां राबिया, लेकिन तुम गंजी। ओहो चलो बस इसको चेंज करो। और दुल्हन कहां है आपकी? दुल्हन सामने व्लॉग बना रही है। मैं भी चेंज करने लगा हूं। ठीक है, पहले वाला ही सही था। ओके डन, लॉक कर दिया जाए। उसको कंसीडर करते हैं, लॉग नहीं करते, ठीक है, वहीं कहीं और जगह कर लेते हैं। ठीक है, ये एक और ऑप्शन थी ये, लेकिन हमने ट्रेन ट्राई किया क्योंकि मुझे कलर नहीं पसंद आया, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। ये क्या कर रहे हो? हैं बच्ची पसंद आ गई, ये क्या कर रहा है? हाँ यही वो देखो कैसे देख रहा है इसको। हैं चलो लेट्स गो बेबी, इसको घर नहीं लेके जाना, इसको छोड़ के जाना। गाइस अभी हम लोग आए इकरा के लिए ज्वेलरी देखने। इकरा ने ज्वेलरी ऑर्डर करनी थी, उसके जो उसने पहननी है निकाह के लिए, तो अंदर वो लोग ज्वेलरी ऑर्डर कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे मैच नज़र आ गया है, यहाँ पे मैच भाई देख रहे थे, वो अभी अंदर गए हैं, तो अब मैं यहाँ बैठ के मैच देख रहा हूँ। तो बस देखते हैं, अभी हालात बहुत बुरे हो रहे हैं पाकिस्तान के, दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। 5 आउट हो गए हैं 146 पे। सकार भाई और रिजवान भी खड़े हैं, अल्लाह करे स्कोर ज़्यादा हो जाए, 250 तक स्कोर हो जाए तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफेंड कर लेगा। बस वो यहाँ से चीज़ें वगैरह देखते फिर निकलते हैं। हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, एक सूट हमें पसंद आ गया था। अब क्या सीन है इकरा? सीन ये है कि आप ना अपने कपड़ों की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दें, ठीक है? मैं अपने ड्रेस के मुताबिक जो आप सबसे अच्छा लगेगा ना वो ये भी हमें अच्छा लगा है जो फर्स्ट पे आपने पहना था, लेकिन अरीब ये रिस्पांसिबिलिटी मेरे पे छोड़। इसका वो हिसाब है अरीब, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ड्रेस पसंद आया था मुझे, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो देख लेकर मुझे ना पसंद आया तो फिर इतना अलग यूनिक स्टाइल बहुत अच्छा ड्रेस आपके लिए सिलेक्ट करूंगी, तो प्लीज आप टेंशन लेना छोड़ दें। आपसे कुछ नहीं सिलेक्ट करना, मैं खुद कर। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे। काका भी कह रहा है यस यस डुबाएगी डुबाएगी, नहीं डुबाऊंगी यार। चलें जी, हमारे ड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है इकरा के ऊपर, देखते हैं वो क्या सिलेक्ट करती है। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकरा के ऊपर, भरोसा करके देख लेते हैं। चलो भरोसा करके देख लेते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत अच्छे लोगों के ना लगे तो मेरा नाम बदल देना, मिसेज अरीब रख देना। मिसेज अरीब रख देना, वो तो वैसे भी रखा जाना इंशाल्लाह। तो गाइस हम लोग पहुंच गए इकरा की तरफ। रास्ते से हमने खाना ले लिया था, खुद भी खा रही है और उसको भी खिला रही है। ये खाना शाना खा रहे हैं, ठीक है? तो अब मुलाकात होगी हमारी कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपकी सूट की जिम्मेदारी मेरी हुई। डन। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से घर, इनको छोड़ के। A few moments later। तो गाइस हम लोग घर आ गए थे, चेंज वगैरह मैंने कर लिया था। मैच देख रहा था, यकीन माने दिल टूट गया मेरा यार। क्या मैच हुआ है, क्या अमेजिंग मैच हुआ है यार। मैं आखिर तक देखता रहा हूँ, मैं दुआएं करता रहा हूँ कि पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जमान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेकंड लास्ट बॉल पे चौका लाना पड़ता उसको, हम मैच जीत गए थे। लेकिन यार वेरी बैड लक, कोई नहीं, वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट की है। एक टाइम था कि पाकिस्तान मैच में नहीं था, वहां से पूरा मैच लास्ट बॉल पे लेके आना, यही बहुत बढ़िया एफर्ट है। और ये दुआएं कर रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, जीत जाए। फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान का, और वीजा भी जाया हो गया हमारा। वैसे भी मेरा डाउटफुल था जाना, अब जाएंगे ही नहीं, अब कोई बहाना ही नहीं रह गया, कोई दिल ही नहीं जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग बड़े दुख के साथ हम एंड कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।